अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने लव जिहाद को लेकर अध्यादेश जारी किया है। अध्यादेश के अनुसार जबरदस्ती धन परिवर्तन कराने वाले को 3 से लेकर 10 साल की सजा और 25,000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि यह अध्यादेश सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही लागू है, कुछ दिन पहले इसे मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी लागू किया गया है। लव जिहाद, ये शब्द दो शब्दों के जोड़ से बना है, अंग्रेजी के लव यानी प्यार और अरबी के जिहाद यानी किसी किस्म का मकसद पूरा करने के लिए आखिरी तक संघर्ष करना, यानी कि ये प्यार की आड़ में किया गया किसी किस्म का मकसद है। हालांकि कुरान में जिहाद का 41 बार जिक्र है, पर हर जगह इस शब्द के अलग अलग मायने हैं। इस शब्द को लेकर मुस्लिम स्कॉलर्स में भी कई तरह के ओपिनियन है। कुछ इसे अंदर की बुराई को ठीक करने के लिए किया गया संघर्ष बताते हैं, तो कुछ धर्म को बचाने के लिए युद्ध करने को जिहाद बताते हैं। खैर, इस शब्द पर बात फिर कभी, फिलहाल हम आते हैं आज के हालातों पर। कुछ दिन पहले कानपुर में 14 मामलों में लव जिहाद की जांच को लेकर एक SIT का गठन किया गया। जांच हुई और फाइनल रिपोर्ट भी सबमिट हो गई, जिसमें किसी भी तरह के संगठन का इसमें शामिल होना नहीं बताया गया। हालांकि कुछ लड़के आपराधिक किस्म के जरूर निकले, पर ऐसा नहीं है कि इस तरह के धर्म परिवर्तन में कोई सोची समझी साजिश या कोई ऑर्गेनाइज्ड प्लान करके शादी की गई हो, जिसे लव जिहाद का नाम दिया जा सके। अब आते हैं नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज जिसे ट्विटर पर बॉयकॉट करने की मुहिम चलाई गई, ये कह के कि ये वेब सीरीज लव जिहाद को बढ़ावा देती है। जबकि असुटेबल बॉय नाम की इस वेब सीरीज में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया जिसे लव जिहाद को बढ़ावा देने की कैटेगरी में रखा जाए, पर ज्यादातर लोग ट्रेलर देख के ही उसे बॉयकॉट करने की मांग करने लगे। हालांकि हम आपको उस वेब सीरीज का स्पॉइलर नहीं देना चाहते, पर सिर्फ इतना जरूर कहना चाहते हैं कि उस वेब सीरीज में कई तरह की कहानियां शामिल हैं, जिसमें 1947 के बंटवारे के बाद राजनीति से लेकर समाज में होने वाले कई तरह के बदलाव को एक साथ दिखाने की कोशिश भर है। और हाँ, आपकी तसल्ली के लिए इतना बता दें कि जिस ट्रेलर को देख के आप लव जिहाद को बढ़ावा देना सोच रहे हैं, असल में वो हिंदू लड़की 3 अलग किस्म के लड़कों को पसंद करती थी और अंत में वो शादी हिंदू बंगाली से ही करती है। और जिस मुस्लिम लड़के से प्रेम करने की बात पर आपको आपत्ति है, उसमें धर्म का एंगल है ही नहीं। खैर, एक और बात उस वेब सीरीज के बारे में बताते चले कि उसमें एक हिंदू लड़के का एक मुस्लिम लड़की से भी प्रेम दिखाया गया है। अब बात करते हैं टीना डाबी और अतहर खान के तलाक पर, जिसे मीडिया में खूब जगह मिली, मिलनी भी चाहिए। जाहिर है अगर उनकी शादी को इतनी फुटेज मीडिया में मिली तो डाइवोर्स पर क्यों नहीं, बात होनी भी चाहिए, चर्चा का विषय भी बनना चाहिए। उन्होंने अपने तलाक की अर्जी में लिखा था कि वो दोनों आपसी रजामंदी से अलग होना चाहते हैं। बस यही आपको लव जिहाद वाली भावना से थोड़ा निराश होना पड़ा होगा। खैर, क्या फर्क पड़ जाता अगर वो अतहर खान की जगह अमरकांत होते, तलाक की वजह वही की वही रहती, आपसी रजामंदी। खैर, अंत में हम आपसे इतना कहना चाहते हैं कि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं, इसलिए तो स्पेशल मैरिज एक्ट का कानून बना। सभी को अपना धर्म मानने की आजादी होनी चाहिए, वो शादी के बाद भी अपने धर्म के साथ जी सकती है। धर्म थोपने की आजादी किसी धार्मिक किताब में नहीं है, बल्कि कोई अपनी मर्जी से किसी धर्म को अपना लेता है तो इसमें भी किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पर हाँ, अगर कोई ये कहे कि आपकी शादी तभी मान्य होगी जब आप ये धर्म अपना लेंगे, तो ये किसी भी वजह से ठीक नहीं, क्योंकि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, द कंटाप।